आज भी आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूं सादिया सैमसन। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पाक भारत टाकरा इस वक्त जारी है। दो बार मैच इंटरप्ट हुआ है बारिश की वजह से, लेकिन इस वक्त इंडियन टीम खासी स्टेबल नजर आ रही है। चार विकेटें गवा बैठे हैं। चार विकेटें कैसे गिरी भारत की, ये तो आपने देख लिया। अब जोशो खरोश यकीनी तौर पर दीदनी है और दूसरी टीम भी मैच खेलने आई है, तो उनको भी अपना गेम प्ले करना है। और यही एक्सपेक्टेशन थी कि जब हार्दिक क्रीज पर होंगे तो फिर इतना आसान नहीं होगा। वो टाइम लेते नहीं हैं, अपनी यूनिक शॉट्स खेलते रहते हैं। और किशन भी जरा गेम में इस वक्त न्यू है ज़रूर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। 77 रन से ऊपर वो भी जा चुके हैं। इस वक्त बड़ी स्क्रीन जहाँ जहाँ लगी है वहाँ क्या माहौल बन गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत का मैच हो तो दोनों जानिब की ही गेम कितनी ऑन है इसको एंजॉय किया जाता है। हमारे तमाम तो रिपोर्टर्स लाइंड अप हैं, इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं, स्पॉट पर मैच देख भी रहे हैं। और शायकीन क्या महसूस करें हमारे साथ, अपने उनके एहसास और अपने भी एहसास शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकील अहमद लाहौर से, आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ नवीद इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, और पोर्ट ग्रैंड में इस वक्त करीम मलिक मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। पहले आपके जानेब आ जाते हैं, लाहौर में क्या जोश और जज्बा है? बड़ी देर हो गई है, कोई विकेट गिरी नहीं है, 35 ओवर से ऊपर का मैच हो चुका है, बड़ी बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हो अकील के कोई विकेट गिर जाए, ऐसा है? दिया इस वक्त जो शायकीन है वो थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह उनके अंदर जोश व जज्बा था और जिस तरह पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक ने इंडियन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को 200 से नीचे नीचे आउट कर लेगा। लेकिन अब इस वक्त जो बड़ी पाँचवीं विकेट की शराकत लगी है, ख़ासतौर पर पांड्या और अशांत किशन के दरमियान, अशांत किशन जो कि अभी बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 80 रन पर पहुंच चुके हैं जबकि पांड्या 50 पर है। इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं कि शायद भारत वाले जो छक्का भी लगाया, तो यहां पर एक समय लें कि सन्नाटा है। चंद शायकीन जो हैं वो उन्होंने दाद दिया, लेकिन ज़्यादातर जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने इंडियन विकेटें उड़ाई थी तो उन वो भंगड़े डाल रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यहाँ पर आपकी मैं कुछ शायकीन से बात भी करा देता हूँ। यहाँ पर कुछ शायकीन हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितना फील कर रहे हैं। भांजी क्या कहेंगे, क्या विकेटों की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को? बहुत सारी विकेटें चाहिए, बस यही विश है कि जल्दी से पाकिस्तान जीत जाए और इंडिया से अच्छे स्कोर में जीते। आप क्या कहेंगे जी, विकेट फंसी हुई है पांचवीं, क्या कह रहे हैं? पांचवीं विकेट पर बड़ा स्कोर हो रहा है, यही है कि अगर अभी अभी ही टाइम है विकेट लेने का, क्योंकि काफी सिर्फ 15 ओवर्स रह गए, अगर अभी विकेट ले लेंगे तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, वरना तो स्कोर 300 तक जा सकता है। जी आप क्या कहेंगे जी, अब इस वक्त किस बॉलर को लगाना चाहिए? शहनशाह अफरीदी को इस टाइम बनता है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी शायकीन है, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, कित मायूसी हो गई है बड़े, आप विकेट नहीं मिल रही पाकिस्तान को? हाँ जी, बहुत ठंडा चल रहा है मैच फिलहाल तो, बस ऐसे ही है। तो जिस तरह आपने सुना कि शायकीन, आप देख रहे होंगे सादिया के यहाँ पर शायकीन इस वक्त थोड़े से मायूस जरूर है, अभी उनको विकेट की तलाश है। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में विकेट की शराकत जो लगी हुई है इंडियन बल्लेबाजों की, इनको तोड़ देते हैं तो फिर पाकिस्तान मैच में दोबारा आ जाएगा और फिर कम स्कोर तक भारत को महदूद कर लेगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह पांड्या और स्कोर तक तो लग नहीं रहा कि अब महदूद होने वाला तो मामला नहीं रहा है, अब तो कंटेन करने वाला मामला मेरे ख्याल में इससे बात आगे निकल गई है, क्योंकि 200 रन बना चुकी है इंडियन टीम। ऐसे में उनके पास बुमराह भी हैं एंड ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स हार्दिक भी हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास बाबर आजम है, फखर जमान है एंड रेस्ट ऑफ द टीम, इफ्तिखार ने नेपाल के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त किया है, तो ऑब्वियसली अपनी होप्स नीचे नहीं रखनी है। हमारे साथ ही मौजूद हैं आसिफ, आपकी जानेब आ जाते हैं, क्या यहाँ भी फैंस इतने ही मायूस नज़र आ रहे हैं जितने हमें लाहौर में नज़र आए हैं, या पुर उम्मीद है कि पाँचवीं विकेट गिर ही जाएगी जल्द? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं, जैसी बॉल होती है तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार विकेट गिरी के गिरी। लेकिन हार्दिक और किशन की जो जोड़ी है वो भरपूर अंदाज में खेल रही है, यकीनन वो खेलने के लिए ग्राउंड में उतरे हैं तो खेलेंगे, और पाकिस्तान का एक रवायती हरीफ है और वो भी जान मार के खेल रहे हैं, और पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं टीम के हर सूरत में विकेट गिरे ही गिरे। यहाँ पर शकीन क्रिकेट बार बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो, क्योंकि अब तकरीबन जिस वक्त तक पहली चार विकेटें गिरी थी तो खासे एक्साइटेड थे और पुरजोश थे और पुरउम्मीद थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भरपूर अंदाज में अपना मैच को आगे लेके चलेगी और बैटिंग लाइन भी
मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। लेकिन जूं जूं जोड़ी ज़्यादा कामयाब होती जा रही है और सेंचुरी के करीब जाती जा रही है, लोगों का जो हौसला है वो पस्त होता जा रहा है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अभी भी बैटिंग लाइन से अपने खासे उम्मीद है, लेकिन आज जो हमारे स्पिनर नहीं चल पा रहे उससे खासे मायूस है। और हमारे साथ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, उनसे क्या कहना है उस हवाले से जानते हैं। भैया ये बताइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोशिश कर रही है कि विकेट गिर जाए, लेकिन मजीद विकेट नहीं गिर रही तो रन पे रन भर रहे, तो क्या उम्मीदें आप पाकिस्तानी टीम? जी उम्मीदें हैं हमें पाकिस्तान से, ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर मैच जीतेगा। अभी आप देख सकते हैं 203 स्कोर हैं और 4 आउट हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी जो टीम है वो हिम्मत नहीं हार रही। वो अपने जैसे वो बॉलिंग करा रहे थे वो वैसे ही करा रहे हैं, उनके अंदर का जुनून वैसे का वैसे ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। क्या समझते हैं किशन की और क्या हार्दिक की जो जोड़ी है ये बहुत भरपूर अंदाज में खेल, अभी इन्होंने 100 प्लस कर लिए हैं, ऊपर अभी जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह भी विकेट ज़रूर आगे जो 10 ओवर आगे। हमारे स्पिनर नहीं चले? हाँ, स्पिनर इस वजह से नहीं चले क्योंकि देखें ना उनके स्कोर, उनके जो हार्दिक और दूसरे जो ईशान किशन है वो उन दोनों की जोड़ी जो रुक गई है, अभी वो खेलते जा रहे हैं, 100 प्लस कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। हमें हिम्मत है अपने अपने खिलाड़ियों से। अच्छा, आसिफ एक बात जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, जहाँ पर एक ग्रुप में बैठकर लोग मैच देख रहे होते हैं वहाँ पर उनके अपने तज्जिए भी चल रहे होते हैं, क्या उनको बेहतर लग रहा है कि किसको बॉलिंग पर लेकर आना चाहिए, किसको नहीं लेकर आना चाहिए, कौन फिट रहा है, क्यों फिट रहा है, सब तज्जिए चलते हैं और वहाँ पर करीब आपकी जानिब। जी बोले 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 आसिफ। ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, आशा अच्छा कर दिया, ये विकेट गिर गई है और ये आवाम काफी पुरजोश है। देखें आप हमारी आवाम कैसे, ये देखें कैसे भरपूर अंदाज में पाकिस्तानी टीम को जो है वो खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खुशी किशन की विकेट गिरी है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एक लंबा पार्टनरशिप हो गई थी, साथ में किशन बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, उनकी सेंचुरी बहुत करीब थी एंड ऑब्वियसली उनके लिए भी ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और किसी भी भारतीय प्लेयर के लिए भी अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई अच्छा स्कोर करते हैं और अपनी टीम को स्टेबिलिटी दे पाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अनलकी फॉर किशन, लेकिन पाकिस्तान को इस ब्रेक थ्रू की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी और कैच किया है उनका कप्तान पाकिस्तान की बाबर आजम ने, 82 रन बनाकर आउट हो गए हैं। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है आसिफ कि एक ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो गए हैं। आप एक फैन से हमारी बात करवाना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं फैन? बैटिंग लाइन हमारी कमजोर नहीं है, हम बहुत जबरदस्त जाएंगे और इंशाल्लाह अभी देखें अभी एक विकेट गिर गया, अब साथ इनकी सारी विकेट सभी गिरती जाएंगी, जितने इनकी मेन बैकबोन जो हमें गिरा दी अभी जो हिल गई है, इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी वो टूट गई, अब ये फ्लो उस तरह का नहीं चल पाएगा और इंशाल्लाह साथ साथ आउट होते रहेंगे सारे। किस बॉलर से आपको उम्मीद है कि ज़्यादा विकेट आप? इंशाल्लाह हारिस रऊफ आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करें और अभी इंशाल्लाह और विकेट्स मोर गिराएंगे इस तरह और पेस के अपनी पेस के साथ अटैक करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि शाकिन क्रिकेट यहाँ पर पुरजोश है और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब जो एक ब्रेक थ्रू आता था वो टूट गया और जो ज़्यादा उम्मीद थी कि यार ये खिलाड़ी आगे जाएंगे उनकी जो जोड़ी है टूट गई है, तो आप शाकिन क्रिकेट की उम्मीद है तौर पर यही प्रेडिक्शन रहती है आसिफ जैक के अगर एक पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है तो फिर आप वापस गेम में आ जाते हैं और नई उम्मीद के साथ फिर दोबारा से जान मारते हैं कि अब एक और विकेट मिलेगी और इस तरह से ब्रेक थ्रू आते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से करीम मलिक, हमारे नुमाइंदे पोर्ट ग्राउंड में मौजूद है। करीम, एक फाइनली पांचवी विकेट जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, भले से आप कहीं से रिपोर्ट कर रहे हो या हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हो, तो पांचवा ब्रेक थ्रू मिल गया और वो भी बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है किशन का, 82 पर उन्हें आउट किया, क्या शायकीन कह रहे हैं? पांचवी विकेट गिरने से पहले तो बड़े मायूस थे, अब कितने पर उम्मीद है? जी बिल्कुल, जैसे पार्टनरशिप लगी थी उसके बाद काफ़ी मायूस से सन्नाटा था, लेकिन बाबर आजम के कैच के बाद ईशान किशन आउट हुए हैं तो ये काफ़ी पुरजोश नज़र आने लगे हैं। शाकिन एक बार फिर से हंस खेल रहे हैं, शोर शराबा है और ढोल बजाए जा रहे हैं, खुश हो गए कि ये पार्टनरशिप टूटी क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप लग गई थी, लेफ्टी और राइट का बन गया था। ये कॉम्बिनेशन वैसे ही डेडली होता है, फील्डर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हर सिंगल पर आपको फील्ड तब्दील करनी पड़ती है, उसके साथ सिंगल आप नोटिस करें क्योंकि सिंगल नहीं रुक रहे थे तो परेशानी थी, उसके बाद आपने फील्डिंग भी देखी क्योंकि फंबल हो रहे थे तो पाकिस्तानी टीम के लिए भी ये मुश्किलात हो रही थी। अब ये लग रहा है कि ये ब्रेक थ्रू जो आया है इसके बाद काफ़ी आसानी होती है, नया बैट्समैन आता है उसको सेट होने में टाइम लगता है, 5 से 6 बॉलों में अगर नया बैट्समैन को आउट कर ले तो पाकिस्तान के लिए आसानी है। और ये एक और बार आप शोर मेरे सुन रहे हैं पीछे शायकीन, आप देख सकते हैं कितने पुरजोश हैं, हर अब वापस ये नज़र आ रहा है, काफ़ी देर से सन्नाटा सा छा गया था लेकिन लग रहा है कि शायकीन फिर से खुश हो रहे हैं कि ये इस तरीके से पाकिस्तान गेम में वापस आ रहा है। अब जो है हार्दिक पांड्या, ये देखा जा रहा था कि ईशान किशन को खिला रहे थे, सिंगल दे रहे थे, अब उन्होंने हार्ड हिटिंग शुरू की, इससे पहले एक छक्का लगाया लेकिन ये जो ब्रेक थ्रू मिला ईशान किशन का, इससे हार्दिक पांड्या पर भी एक प्रेशर पड़ेगा। जी
ठीक है करीम, ये बताइएगा यहाँ पर जो शायकीन मौजूद हैं उनकी किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, किस बॉलर को वो समझते हैं कि अब आगे की जो विकटें हैं या अहम ब्रेक थ्रूज हैं, बिल्कुल यकीनी तौर पर हार्दिक खासे इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं, कौन लेगा इनकी विकेट, क्या कहते हैं शायकीन? देखिए शायकीन तो शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के ऊपर नज़रें टिकाए बैठे हैं, दूसरी जानब हारिस रऊफ से भी बहुत उम्मीदें हैं। उनका ये कहना है कि स्पिनर क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शायकीन तो अपने तजिये ज़रूर करते हैं कि कंटिन्यूसली स्पिनर लगाए जा रहे हैं, आप फास्ट बॉलर्स को लेके आएँ और विकेट निकालें, जो क्योंकि बेहतरीन स्विंग मिल रहा था नसीम शाह को। हम देख रहे थे कि हारिस रऊफ भी डोमिनेट कर रहे थे शुरू में, शाहीन आफरीदी ने दो बड़ी विकेट्स निकाली उस यकीनी तौर पर, लेकिन तमाम जो स्पिनर्स होते हैं जी करीम कंटिन्यू कीजिए जी, तो ये स्पिनर जो विकेट में लेके आए तो शायकीन का यही कहना था कि अब जो जाकर आसानी हुई। हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी मुझे बताएं यार, एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, शायकीन मसरूफ़ हैं मैच देखने में, आप ये देखें कि ब्रेक थ्रू जो मिला है उससे बहुत खुश है शायकीन। उनका यही कहना है कि ये इसके बाद गेम में हम वापस आए हैं और अब लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 200 से 250 के बीच में रुक जाएगा। तराने बज रहे हैं, उनकी भी साउंड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अभी आप फैंस मसरूफ़ हैं, आप जब तक इन फैंस को राज़ी करें कि वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि जैसे मैच दोबारा इन हुआ और पर अब सबका इंटरेस्ट हुआ, जी मैच है कोई मिस नहीं करना चाहता एक भी गेंद, वापस जाते हैं। अकील आपकी तरफ आते हैं, मैच तो चल ही रहा है, कहाँ ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को मिल गया है, विकेट 5 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो भी किशन की जो ज़बरदस्त सेट थे, लेकिन जहाँ कहीं ऐसा माहौल हो वहाँ खाबा शाबा भी रहता है, तो इस बड़ी स्क्रीन के साथ लोग अपने आप को कुछ खाबो शाबो से भी महसूस करेंगे नहीं? यहाँ पर क्योंकि हम जिस जहाँ पर मौजूद हैं ये एक होटल है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में ख़वातीन जो मर्द हजरात मौजूद हैं वो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा मैच के साथ साथ अपना खूब खाबागिरी की है, उन्होंने सैंडविचेस खाए हैं, चिप्स खाई है और इस तरह चाय और कॉफ़ी से और जूसी से लुत्फानंदोज़ हुए हैं। अभी यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि इन शायकीन के लिए उन्होंने लंच डिनर का भी अहतमाम किया हुआ है, जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर डिनर भी चलेगा और खूब मैच के साथ साथ मज़ा अपना खाने का मज़ा भी दोबारा करेंगे साथिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने पार्टनरशिप तोड़ ली है तो दोबारा मैच में पाकिस्तान आ गया है, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक ख़तरनाक बैट्समैन जो कि बड़ा जारे मजाज हैं वो है पांड्या, इस वक्त करीज पर मौजूद हैं, 68 रन बना चुके हैं 77 गेंदों पर, इस वक्त 207 रन बनाए हैं भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर, 39वें ओवर का खेल चल रहा है और यूं लग रहा है कि अब जो है मार धाड़ शुरू करेंगे भारतीय बल्लेबाज, और पाकिस्तान को चाहिए कि जो फील्डर हैं वो चौकस रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रन रोकें और जो कैचेज आएँ उन्हें ड्रॉप ना करें, क्योंकि कैचेज भी इन मैचेज होते हैं। और जहाँ तक बात है अब बॉलर्स को भी चाहिए, जिस तरह अभी हारिस रऊफ ने किशन को आउट किया वो बिल्कुल लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग किया और उन्होंने एक हल्का सा, लेकिन हम सब हार्दिक के बारे में जानते हैं कि वो 360 खेलते हैं, यानी ग्राउंड की हर तरफ खेलते हैं, उनकी अपनी शॉट्स भी होती हैं, कुछ चाइनीज कट्स भी वो खेलते रहते हैं, तो यकीनी तौर पर वो एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और जैसे जैसे सेट होते जाएंगे खुलते चले जाएंगे, उनको पता है कि आखिरी के बस तकरीबन 10-11 ओवर रह गए हैं और उसमें उन्हें मैक्सिमम स्कोर देना है इंडिया को। ओवर हियर पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि जितनी जल्दी हार्दिक को निकाल दें ताकि और जो प्रेशर है बिल्ड हो सके, लेकिन एक बारिश का इम्पैक्ट भी होता है, गेंद ग्रिप नहीं हो पाता है, आप खुद इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि स्पिनर्स के लिए इतना आसान है यहाँ पर गेंद ग्रिप करना और अपनी वैरायटी भी दिखाना, पेसर्स कंपैरेटिवली फिर भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे बारिश के बाद। बिल्कुल आपने पूछा है कि जो बॉल था, क्योंकि बारिश भी पड़ी है, दो दफ़ा गेम जो है रुकी है, उसमें जाहिर है इतना बड़ा मैच है पाक भारत टकरा, तो उसमें जब गेम बारिश की वजह से रुकती है तो आप समझ सकते हैं कि भंग पड़ जाती है उस मैच में, तो वही हुआ था, लेकिन लकीली पूरी दुनिया के शायकीन की इस मैच पर नज़रें हैं तो वो बड़े लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे कि चले मैच तो चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि मैच मुकम्मल होगा और अब बारिश नहीं आएगी, लेकिन पाली के लिए
क्योंकि जो कंडीशंस और जो वहाँ की वेदर रिपोर्ट है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं भी वेदर जो है वो किसी वक्त भी, खासतौर पर हिली एरिया जो होता है जहाँ पर पहाड़े पहाड़ हों तो वहाँ पर हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जब फील्ड जो होती है वो गिली हो जाती है तो उससे बॉल क्रिप करने में खासतौर पर स्पिनर गीला हो जाता है तो गेंद जब बॉलर के पास वापस आता है उसे ग्रिप करने में थोड़ा मुश्किल होता है। आसिफ आपकी जानिब आ जाते हैं, आप लोगों से बात करते करते मैं आपसे बात कर ही रही थी जब पांचवी विकेट गिर गई तो एक मुसलसल सन्नाटा था, तमाम पाकिस्तानी फैंस बड़े खामोश थे, किसी भी गेंद को बस चाह रहे थे किसी तौर से उस पर विकेट गिर जाए। अब तो मेरे ख्याल में हर गेंद के ऊपर शोर हो रहा होगा। आज यकीनन इस वक्त देखें जो एक खामोशी थी और लोगों को थोड़ी सी हल्की सी मायूसी छा गई थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियन जो बैट्समैन है उनको भी ये ख़तरा था कि पाकिस्तानी बॉलर उनको चलने नहीं देंगे। शुरू में जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर उनको बहुत जल्द ढेर कर देंगे, लेकिन हार्दिक और किशन की जो जोड़ी थी उसने खासा मायूस किया और लंबी इनिंग खेलते रहे। तो अब चूँकि पाँचवीं विकेट गिर गई है और एक उम्मीद की किरण फिर जागी है कि पाकिस्तानी टीम एक दफ़ा फिर मैच में इन हो गई है और अब जूँ ही जूँ मैच आगे बढ़ रहा है लोगों की उम्मीदें हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर 250 से नीचे स्कोर को ब्रेक कर ले और पूरी ऑल टीम आउट कर दे तो यकीनन पाकिस्तान मैच के अंदर इन हो सकता है। अगर पाकिस्तानी टीम इनको रोकने में कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान के लिए बैटिंग लाइन काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि स्पिनर अगर हमारे नहीं चल पा रहे तो उनके भी यकीनन नहीं चल पाएंगे। जैसा कि आपने बात की जो पिच भी गीली है उसके अलावा माहौल भी आ चुका है, एटमोसफेयर में नमी ज़्यादा है तो उसकी वजह से स्पिनर इसी वजह से शायद चल नहीं पा रहे हैं और फास्ट बॉलर को ज़्यादा कामयाबी देखने में मिल रही है। आपको एक और वजह है, हम जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंडियन टीम है उसमें दे आर गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, तो ये भी एक वजह है। और फिर हमारे जितने भी पेसेस हैं, आई मीन पूरी दुनिया में जितने भी पेसेस हैं, पाकिस्तान को बेस्ट पेसर अटैक टीम कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इतने बड़े टाकरे में एक प्रेशर भी होता है सारे पेसर्स का, पेसर्स की अपनी प्रेजेंस भी होती है, तो मेरे ख्याल में वो एक प्रेशर भी बिल्ड होता है जैसे ही पेसर बॉल करने आता है और वो मिसिंग होता है स्पिनर्स के लिए, बिकॉज ऑलरेडी इंडियन टीम अच्छी है स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में ये भी एक इम्पैक्ट है आसिफ इस सारे मामले का। ये बताइए मुझे, आपके अतराफ तमाम जो शायकीन मौजूद हैं उनमें किससे सबसे बात हुई होगी आपकी, क्या है उनके दिमाग में टारगेट, आज पाकिस्तान कितनी जल्दी रोक पाएगा अब जितने ओवर्स रह गए इंडियन टीम को? देखिए उम्मीदें तो ये हैं कि 250 से नीचे स्कोर को रोक लिया जाए, लेकिन यकीनन देखें वो खेलने के लिए आई है इंडियन टीम, वो भी अपने बॉलर्स बैट्समैन उनके भी भरपूर जान मारेंगे, उनकी कोशिश होगी कि जो है वो टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खड़ा किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम अब कोशिश कर रही है। लेकिन चूँकि अभी 5 विकेटें बकाया हैं और वो भी खेल रहे हैं और पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं अभी तक देखें जो विकेट निकालने में कामयाब, काफ़ी लंबी इनिंग के बाद जो है वो विकेट निकाली है, तो अब उम्मीद तो है कि पाकिस्तानी टीम अगर 1 से 2 विकेटें मजीद निकाल लेती तो फिर शायद स्कोर रुक जाएगा, लेकिन अगर इसी तरतीब से जारी रहे तो ये देखें अभी हार्दिक पिच पे मौजूद है और जैसा कि आपने उनके बारे में पहले बताया कि वो 360 के तहत पूरे ग्राउंड में शॉट्स मारते हैं और अपनी चाइना कट भी मारते हैं, तो अब उन्होंने यकीनन अब आखिरी 10 ओवर में वो तमाम अपने जो सारे जो है ना वो दिखा देंगे, जो भी कुछ उन्होंने सीखा है आज तक हार्दिक के लिए यही वो मोमेंट है। और मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेट को अगर हीरो बनना है पाकिस्तान और इंडिया के, अगर कोई क्रिकेटर है अगर उसको हीरो बनना है एंड दी बेस्ट करार पाना है अगर उसको, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। और फिर हर खिलाड़ी जो है आपको याद रखेगा और हर फैन भी आपको याद रखेगा। वेल पाकिस्तान इंडिया मैच की बातें तो चलती रहेंगी, मैच जारी है, 5 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी फैंस में जोश जज्बा एक दफ़ा फिर से ऊपर चला गया, लेकिन हार्दिक एक बड़े खतरे के तौर पर पाकिस्तानी टीम के लिए अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। देखना यह है कि वो ब्रेक थ्रू हमें कब मिलता है। वेल मैच के हवाले से आपको अपडेटेड रखेंगे, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए।